दुनिया भर में कई ऐसे जीव हैं जिनको इंसान खाते हैं। उसका नतीजा ये निकलता है कि इनके खाने के बाद कई तरह की बीमारियां इंसान को अपनी चपेट में ले लेती हैं। आज हम इस वीडियो में आपको ऐसे ही कुछ जीवों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनको खाने के बाद कई प्रकार की खतरनाक बीमारियां फैल चुकी हैं। दरअसल जर्नल प्रोसीडिंग ऑफ रॉयल सोसाइटी में प्रकाशित एक शोध के मुताबिक इंसानों से बढ़ती जंगली जानवरों की निकटता बड़ा खतरा बनती जा रही है। यूसी डेविस स्कूल ऑफ वेटनरी साइंस के वन हेल्थ इंस्टीट्यूट के प्रोग्राम डायरेक्टर डॉक्टर क्रिश्चियन क्रूएडर के मुताबिक जानवरों के प्राकृतिक निवास और रहन सहन में इंसान के सीधे हस्तक्षेप का नतीजा कई गंभीर बीमारियों के तौर पर इंसानों को उठाना पड़ता है। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के शोधकर्ताओं ने 1940 को आधार वर्ष मानते हुए एक शोध में बताया कि कुत्ते, बिल्लियों, भेड़ों जैसे घरेलू जानवरों के साथ ही बंदरों, चूहों ने भी इंसान को काफी क्षति पहुंचाई है। जंगली जानवर इंसानों से दूर थे, लेकिन इंसान ने ही कभी विकास, कभी जानवरों के व्यापार और कभी इन्हें बचाने के नाम पर उनके व खुद के बीच की मौजूद दूरी को खत्म कर दिया। प्लेग जैसी महामारी ने तो दुनिया का अस्तित्व ही खतरे में डाल दिया। जंगली जानवरों से फैलने वाली बीमारियां इबोला, मर्स, एचआईवी, ओविन टीबी, रेबीज, लेप्टोसिरोसिस, स्वाइन फ्लू, हंटा वायरस, पीजन फ्लू, साइट्रोडोमाइकोसिस, वेस्ट नाइल इंसेफ्लाइटिस, व्हाइट नोज सिंड्रोम, एंथ्रेक्स, डेविल फेस, कैनिन डिस्टेम्पर, क्लेमिडिया, सार्कोप्टिक मैग्ने, प्लेग और ईकोलाई। शोधकर्ताओं के अनुसार 1940 के बाद से इंसानों में 142 वायरस आ चुके हैं। कई के तो तोड़ हमने खुद निकाले, लेकिन अभी कई बहुत जानलेवा हैं। चाहे वो कोरोना हो या एचआईवी, चूहे, बंदर और चमगादड़ इंसानों में फैलने वाले 75% वायरस के लिए जिम्मेदार हैं। कैसे रोकें इन बीमारियों की घुसपैठ? फॉरेन वायरस यानी जो अब घरेलू और जंगली जानवरों से इंसानों में पाए गए, उनके कारण हर साल दुनिया भर में 2 अरब लोग बीमार पड़ते हैं, जिनमें से 2 करोड़ लोग मारे जाते हैं। ये वायरस इंसान को एचआईवी से लेकर इबोला तक से मार रहे हैं। वजह सिर्फ एक है, इंसानों का जानवरों के प्रति जीवन शैली में हस्तक्षेप। ब्यूरो रिपोर्ट, स्टोरी हाउ न्यूज।